और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक बार फिर मुस्लिम कार्ड खेला है। दरअसल आजम खान ने पश्चिम बंगाल में सीबीआई विवाद पर कहा है कि ममता बनर्जी के साथ पूरा देश है, लेकिन मेरे लिए लड़ने वाला कोई नहीं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। आजम ने पीएम मोदी और बीजेपी पर भी निशाना साधा है। आजम ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी उन्हें पाकिस्तान का एजेंट कहती है और सरकार ने देशद्रोह के कई मुकदमे भी उनके खिलाफ दर्ज किए हैं। आजम ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई के नाम पर उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया गया है। हमारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं, ममता जी के साथ देश खड़ा है क्योंकि वो ममता जी हैं, हम आजम खान हैं, इसलिए हमारे साथ हम हैं, उनके साथ देश है। बीजेपी वाले मुझे पाकिस्तानी एजेंट कहते हैं, आईएसआई का एजेंट कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, गद्दार कहते हैं। देशद्रोह के कितने ही सरकार ने मुझे मुकदमे कायम किए, तो अगर मैं ही देशद्रोही हूँ, मैं ही गद्दार हूँ, तो किसी वफादार का नाम बताएं ना मोदी।